नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं आप, आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम 5 फरवरी के बाद अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम संभवतः 5 फरवरी 2020 तक भी नहीं आए। कारण, इस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई ही अब 4 फरवरी को होगी। कोर्ट के पूर्व के आदेश हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद ही परिणाम जारी किया जाए। ऐसे में प्रदेश के करीब 18,000 अभ्यर्थियों को परिणाम का अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग सूत्रों के मुताबिक आरएएस प्री 2018 के परिणाम में जारी कट ऑफ मार्क्स में ओबीसी की हाई कट ऑफ मार्क्स के बाद नाराज अभ्यर्थी कोर्ट की शरण पहुँच गए थे। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग को आदेश दिया था कि आयोग इस भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा का आयोजन कर ले, लेकिन परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना जारी नहीं किया जाएगा। स्टे हटे तब जारी होगा परिणाम। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट ने ही परिणाम जारी करने पर रोक लगा रखी है। कोर्ट का जैसे ही आदेश होगा आयोग अनुपालना में परिणाम जारी करेगा। रेणु जयपाल, सचिव आरपीएससी अजमेर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 फरवरी के बाद ही आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम आ पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आसानी से पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।